गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अजय केडिया फ्रॉम केडिया एडवाइजरी। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज कमोडिटी पॉडकास्ट। तो सबसे पहले अगर हम ये हफ्ते की बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज यही रहेगी कि फेड इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है। तो डेफिनेटली अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है उसका इम्पैक्ट कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी सभी जगह पड़ते हुए देखेंगे हम। लास्ट वीक के अंदर हमने देखा डॉलर इंडेक्स कंटिन्यू फॉल दिखा रहा है। तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कि हमने 109.50 का लेवल देख चुके हैं, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है मार्केट में। देन वी हैव सीन ईसीबी ने रेट हाइक किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डॉलर में गिरावट आई। और जब भी यूरो बूस्ट होता है तो उसके साथ साथ कमोडिटी में भी बूस्ट अप होता है, जिसके चलते लोअर लेवल से हमने पूरे ही कमोडिटी पैक में एक अच्छी खासी शानदार रिकवरी बनते हुए देखी है। सबसे पहले अगर डेटा पॉइंट की बात करें तो डेटा पॉइंट के अंदर, या फिर अगर हम बोले ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रही है एज ऑफ नाउ, तो हम देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड 103 के नीचे स्लाइड कर चुका है। कंटिन्यू पिछले 4 दिनों से मार्केट में गिरावट है। जिस ढंग से फियर बना हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी स्लोडाउन का, ये कहीं ना कहीं एनर्जी डिमांड पे एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। नो डाउट आगे जाके सप्लाई डिस्टर्बेंस बनी हुई, जिसकी वजह से कोई बड़ा फ्री फॉल जैसी सिचुएशन नहीं बन रही है। ये हफ्ते के अंदर फेड चेयरमैन से स्पीच रहेगी, जो इकोनॉमी के आउटलुक के बारे में प्लस 75 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक ये हफ्ता कर सकता है। ओवरऑल चाइना इज अगेन इम्पॉर्टेंट, बिकॉज चाइना में हमने देखा अभी भी जीरो कोविड कंसर्न्स बने हुए हैं, जिसके चलते डिमांड कंसर्न्स रहेगा। कच्चे तेल में हमने ये भी देखा कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो अरब लीडर्स से ज्यादा ऑयल पंप आउट करने की बात हो रही थी, वो अभी तक मार्केट में दिखाई नहीं दे रही है। बट डिस्पाइट दैट प्राइस जो एक जम दिखाया था पिछले हफ्ते, उसमें नेगेटिविटी दिखा रहा है। तो ओवरऑल कच्चे तेल में आज ट्रेंड वीक ही दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम अदर कमोडिटीज में अगर बात करें वीट, तो वीट में ऑलरेडी हमने काफी बड़ी गिरावट आती हुई देखी। गोल्ड में लोअर लेवल से हमने एक शानदार रिकवरी बनते हुए देखी। इनफैक्ट गोल्ड के अंदर हमने देखा एक ट्रिपल बॉटम। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो यू विल फाइंड अ ट्रिपल बॉटम के प्राइजेस 16-18 बार ऐसा हुआ है कि प्राइजेस टेस्ट करके रिकवर है। और हमने देखा कि प्राइजेस 1727 के करीब भी ट्रेड होते हुए देखा। जिस ढंग से डॉलर वीकनेस है, ये कहीं ना कहीं सेफ हेवन बाइंग में कमोडिटी को लेके आता है, जहाँ पे गोल्ड में एक अच्छी खासी रिकवरी बनते हुए देखी हमने। अदर देन डेट, यूएस के प्राइवेट सेक्टर आउटपुट जो है वो जुलाई मंथ में कॉन्ट्रेक्शन दिखा रहा है, जो एक्चुअली दिखा रहा है कि इकोनॉमी श्रिंक होते जा रही है। वहीं हमने यूएस फ्यूचर्स के अंदर भी थोड़ा बहुत एक पुल बैक हम देख पा रहे हैं, बिकॉज ये हफ्ते में जो फेड चेयरमैन की स्पीच रहेगी, विच विल गिव ए क्लियर आइडिया कि आगे सिनेरियो कैसा रहना है। बट ये हफ्ते में डेटा पॉइंट कैसे रहेंगे और आउटलुक क्या रहेगा, वो हम एक ले लेते हैं। तो ये हफ्ता काफी बिजी रहने वाला है, बिकॉज यूएस से अगर हम देखें तो एफओएमसी डिसीजन आने हैं। अर्निंग्स एंड इकोनॉमी डेटा जो है वो सेंटर स्टेज रहेंगे। सबसे पहले अगर फेड की बात करें तो कंटिन्यू रेट हाइक पाथ पे एक्सपेक्टेशन बना हुआ है, और सेकेंड स्ट्रेट 75 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट हो सकता है। लास्ट टाइम जून में भी हमने देखा था इंक्रीमेंट हुआ था रेट्स के अंदर, और इस बार भी होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से जो बोरोइंग कॉस्ट है वो 2019 के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचते हुए दिखाई देगी। साथ में अगर हम देखें डेटा फ्रंट पे तो एडवांस एस्टिमेट जीडीपी के आने हैं, जो बताएगा कि इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है। एनुअलाइज 0.4% का हम Q2 में एक देख रहे हैं। रिबाउंडिंग जरूर हुआ है जो 1.6 था, बट ओवरऑल कंसर्न्स थोड़े बहुत बने हुए हैं। डेटा पॉइंट में अगर हम देखें तो ये हफ्ते के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट तो फेड चेयरमैन का डिसीजन ही है। बट आज अगर हम बात करें तो यूके से सीबीआई इंडस्ट्रियल ऑर्डर एक्सपेक्टेशंस आने हैं, जो खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डेटा आना है। जापान से कल मॉर्निंग में मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स आने हैं। साथ में अगर हम देखें यूएस से एचपीआई कंपोजिट 20 HPI, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आना है। साथ में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जहाँ पे हम कंटिन्यू डिटोरेशन देख रहे हैं। हाउसिंग सेल्स में भी हम डिटोरेशन देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये हफ्ते में अप टू ट्यूजडे अगर हम देखें तो डॉलर में कंटिन्यू दबाव रखेगा। वर्डनजे की अगर बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर्स में भी गिरावट है। तो ओवरऑल जो डेटा पॉइंट यूएस से आने वाले हैं ये हफ्ते में, सभी में डॉलर में वीकनेस है। बट ध्यान रखिए एफओएमसी के जो स्टेटमेंट्स और इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो बनेगा, दैट विल गिव अ प्रेस सपोर्ट फॉर डॉलर। तो डॉलर में बुधवार शाम तक मार्केट में दबाव रहेगा।
बट बुधवार की रात को डॉलर को फिर से स्ट्रेंथ मिलता चाहिए और उसी के रिजल्टेंट थर्सडे को 6 बजे एडवांस जीडीपी के आंकड़े पॉजिटिव आते हुए दिखाई देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के अंदर भी स्टेबिलिटी आते हुए दिखेंगे। तो फर्स्ट मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे तक कमोडिटी मार्केट में एक अच्छा बाउंस कंटिन्यू रह सकता है डॉलर की गिरावट के चलते, लेकिन बुधवार से डॉलर वापस स्ट्रेंथ लेता हुआ दिखाई देगा क्योंकि पूरे डेटा पॉइंट्स जो रहने हैं वो कहीं ना कहीं डॉलर को सपोर्ट करें। इनफैक्ट फ्राइडे का भी अगर हम एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट डेटा देखें वहां पे भी हमने देखा थोड़ा बहुत ड्रॉप दिखा रहा है, साथ में पर्सनल इनकम पर्सनल स्पेंडिंग डेटा स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिकागो पीएमआई में ड्रॉप है, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स में स्टेबिलिटी बनी हुई, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन विल बी मोर इम्पोर्टेंट एट 7:30 और नेक्स्ट वीक के लिए मैन्युफैक्चरिंग वीक रहता है जहाँ पे हम चाइना जापान यूरोप सभी से हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कुछ चेंजेस हुआ है क्या। नाउ कमिंग ऑन हीट मैप, आज अगर इक्विटी मार्केट की बात करें तो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत दबाव देखने मिल रहा है। जिस ढंग से वीक्स भी 26 के करीब ट्रेड कर रहा है, कच्चे तेल में हम दोनों में गिरावट देख रहे हैं, WTI 94 के नीचे और ब्रेंट 102.50 के करीब ट्रेड कर रही है। नेचुरल गैस इस वक्त भी $8 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन है। जिस ढंग से कंसर्न्स बने हुए हैं जर्मनी और रशिया को लेकर, ये आने वाले दिनों में पॉसिबल हम $9 से $10 का लेवल भी वापस ब्रीच कर पाएंगे, तो इस पर आप ध्यान रखे चलिए क्योंकि नेचुरल गैस के अंदर अभी भी आगे विंटर से पहले जो डिमांड है वो कंटिन्यू रहने वाली है, तो नेचुरल गैस में कोई भी बड़ी शॉर्ट पोजीशन ना बनाइए। कॉटन के प्राइजेस के अंदर भी हमने एक स्टेबिलिटी देखी है बट साइडवे टू नेगेटिव ही है, प्राइजेस 90 सेंट के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल के साथ साथ अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में हमने एक अच्छा खासा लो लगने के बाद रिकवर करते हुए देखे हैं प्राइजेस को, जो एज ऑफ नाउ 1720 के ऊपर मेंटेन होने पे 1756 की तैयारी कर रहा है, बट उससे पहले 1750 तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिंस जुलाई वी हैव नेवर सीन प्राइजेस मूव बियॉन्ड 1750। तो अनलेस एंड अंटिल 1750 डजंट ब्रेक वी कैन सी अ ब्रॉडर रेंज ऑफ लेट्स से 1680 टू 1740, बट ओवरऑल फेड की मीट से पहले वी कैन सी अ गुड पुल बैक और स्टेबिलिटी इन द गोल्ड प्राइजेस। वेयरएज इन केस ऑफ सिल्वर हमने देखा प्राइजेस में रिकवरी बहुत अच्छी आई थी बट प्राइजेस $19 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो अनलेस एंड अंटिल $19 के ऊपर नहीं निकलता 18-19 के बीच में ही सिल्वर ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। कॉपर साइडवे टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि सोयाबीन एक अच्छी खासी गिरावट के बाद स्टेबिलिटी बना रहा है 1300 के करीब। सोया मिल में भी हमने गिरावट के बाद स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो पूरे एग्री पैक के अंदर भी डॉलर वीकनेस की वजह से कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही। वीट के प्राइजेस में अच्छी गिरावट है बट होपिंग के लोअर लेवल से मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग दिखे बट दैट विल बी अ टेम्पररी। डॉलर इंडेक्स में भी हमने 109 के ऊपर से मार्केट में ड्रॉप आते हुए देखा, प्राइजेस एनी हाउ गेटिंग अ गुड सपोर्ट एट $106। तो 106 के नीचे निकल जाता है तो मे बी 103.50 से 104 तक का भी लेवल देखने मिल सकता है डॉलर की गिरावट के चलते। यूरो जीबीपी जेपीवाई में आज भी ट्रेंड पॉजिटिव रहता हुआ दिखाई देगा। नाउ कमिंग ऑन दी एलएमई फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग विद डोमेस्टिक मार्केट, अगर हम एलएमई की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एलएमई के ऊपर भी एक थोड़ी बहुत रिकवरी का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। जिस ढंग से हमने रिसेंट में देखा कि चाइना ने जो भी स्टेप्स लिए है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को एक सपोर्ट देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। आज के सेशन के अंदर मॉर्निंग सेशन से ही हमने देखा है कि कॉपर 7400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिंक फ्लैटिश है बट 3000 के करीब ट्रेड कर रहा है, एल्यूमिनियम 2400 के करीब ट्रेड कर रहा है, 1% की गिरावट है, लेड भी स्टेबल है अराउंड $2000। शुक्रवार के सेशन में गोल्ड में हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते 50600 का लेवल छुआ लेकिन 50900 का लेवल नहीं ब्रीच कर पाया, वी नीड 50950 टू बी ब्रीच। अगर जब तक 50950 के ऊपर नहीं निकलता है मे बी ए पुल बैक टूवर्ड्स 50350 इज पॉसिबल। लुकिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट, मार्केट स्टैग्नेंट रहेगा, रुपी में जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक गोल्ड सिल्वर को थोड़ा बहुत दबाव दे सकता है, तो डोंट बी हरी टू बाय। 50350 के करीब मिले वहां पे हमें बाइंग करके चलना है, अपसाइड 850 तक का कैप रहेगा। चांदी के अंदर अच्छी तेजी के बाद हमने प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती हुई देखी है जिसके चलते 55100 के करीब चांदी बंद होते हुए दिखाई दी। आज के सेशन में मार्केट थोड़ा साइडवे रहेगा, 54800 के करीब लेके चलिए 55800 के टारगेट के लिए, ओवरऑल मार्केट बाय ऑन ड्रिप का रहेगा। कच्चे तेल में गिरावट कंटिन्यू रहेगी, 7700 के बाउंस पे बेच के चलिए जो 7520 का लेवल तोड़कर 7350 अगले दो सेशन में देखने मिल जाएगा। ओवरऑल कच्चे तेल में दबाव बना हुआ रहेगा। नेचुरल गैस में 3% से ज्यादा की हमने शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखी,
ग्लोबल फैक्टर्स को देखते हुए लगता है कि मार्केट 670-690 के जोन में भी जा सकता है। पुल बैक टूवर्ड 640 इज गुड टू बाय अनलेस और अंटिल 620 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, वी कैन सी 670-685 एज ए इमीडिएट टारगेट फॉर दिस वीक। कमिंग ऑन द बेस मेटल प्राइजेस वेयर वी हैव सीन ऑन फ्राइडे प्राइजेस हैज रियली रिकवर्ड फ्रॉम द लोअर लेवल, जहां पे कॉपर 632 पे जाकर बंद हुआ एंड मेनी टाइम वी हैव सीन 632 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बट आई थिंक अगर ये ब्रेकआउट दे देता है लेट से 632 की जगह 634, देन प्राइजेस कैन गो अप टू 650-670 इन कमिंग डेज। तो आई ऑन कॉपर आज के लिए बाय ऑन ड्रॉप 626 के करीब लेके चलिए, अनलेस एंड अनटिल 620 का लेवल ब्रीच नहीं होता है हाई प्रोबेबिलिटी है 632 एज ए फर्स्ट लेवल एंड 32 के ऊपर क्लोज देना इंपॉर्टेंट है, तो 645 तक के भी लेवल देख पाएंगे। वहीं जिंक के प्राइजेस के अंदर भी 270 एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बाय नियर 270 टारगेटिंग 275, एल्यूमिनियम बाय नियर 210 टारगेटिंग 216 ऑन हायर साइड, लेड बाय नियर 175 टारगेटिंग 178 ऑन हायर साइड। ओवरऑल बेस मेटल में बाय ऑन ड्रॉप रणनीति अपना के चलिए। अगले हफ्ते मैन्युफैक्चरिंग के डेटा आने हैं चाइना से विच विल गाइड अस बेटर और वीकनेस इन डॉलर इज सपोर्टिंग। वहीं अगर एग्री कमोडिटी की बात करें तो अगेन हमने गवार सीड, गवार गम और गवार एक्स में फॉल आते हुए देखा, जिस ढंग से सोइंग बताई जा रही है कि जबरदस्त बढ़ी है, इट वॉज इन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन, बट कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि डिमांड भी मार्केट में नजारत है जिसकी वजह से प्राइस दबाव है। बट जो मैंने पहले भी कहा था कि 5450 ध्यान रखिए, जब तक 5450 के ऊपर गवार सीड क्लोज नहीं देता है हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम एक रेंज में ही आते हुए देखें जो 4900 से 5400 के बीच में रहेगा। आज भी मार्केट में साइडवे टू नेगेटिव प्राइस मोमेंटम रहेगा, थोड़ा बाउंस करने की कोशिश करेगा लोअर लेवल पे, बट 4950-4400 इज अ ब्रॉडर रेंज। गवार गम के लिए भी जब तक 10,000 के ऊपर नहीं निकलता है हाई पॉसिबिलिटी है कि हम 9,000 तक का लेवल फिर से छू पाए। सेल ऑन रैली शुड बी दी स्ट्रेटजी फॉर गवार सीड, गवार गम। मसालों की बात करें तो यहाँ पे भी हमने प्रॉफिट बुकिंग हिट होते हुए देखी, चाहे जीरा धनिया और हल्दी की बात करें, कहीं ना कहीं लोअर लेवल से प्राइजेस में जंप जरूर है क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी मजबूत है, बट कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग भी हिट करेगा। आज के लिए अगर धनिया की बात करें तो 11,900-11,950 के करीब लेके चलिए, अनलेस एंड अनटिल 11,800 का लेवल ब्रीच नहीं होता है 12,200 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। हल्दी 8,150 के ऊपर जब तक नहीं जाती ट्रेंड वीक रहेगा, 7850 तक के बाउंस पे बेच के चलिए 7650 के टारगेट के लिए। वहीं जीरे के अंदर भी प्राइजेस में तेजी जरूर है बट 24,200 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और 23,200 के नीचे जाता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा। आज के लिए ट्रेंड थोड़ा साइडवे रहेगा, 24,100-200 के करीब मिले बेच के चलिए 23,600 के टारगेट के लिए। ओवरऑल आज ट्रेंड थोड़ा वीक रहेगा। कॉटन सीड ऑयल केक में भी दबाव कंटिन्यू रहेगा, जब तक 2720 के ऊपर आज नहीं निकलता है 2620 से 2580 के टारगेट के लिए कॉटन सीड ऑयल केक बेच के चलिए। कैस्टर के अंदर हमने हायर लेवल से थोड़ी गिरावट जरूर आई है पर आई थिंक 7250-7260 इज गुड टू बाय अगेन, जहाँ पे 7340 का टारगेट रह सकता है। तो दिन के सेशन में दबाव रहेगा 7250-60 के करीब मिलने पे हम कैस्टर बाय कर सकते हैं, दिन में प्रेशर है। विद दिस आई एंड माय सेशन, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायुक देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडीआई एडवाइजरी। मैं करेंसी के बारे में आज बात करूंगा। करेंसी में पहले यूएसडी में देखे तो यूएसडी आईएनआर में हमने शॉर्ट रिकवरिंग देखी फ्राइडे को 0.02 पॉजिटिव मूव के साथ 79.95 में क्लोज हुआ। यूएसडी आईएनआर ने 80 पर डॉलर के मार्क से बढ़ने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरवेंट किया और फ्लैट सेटल हुआ। इंडिया सेंट्रल बैंक जीरो टॉलरेंस है वोलेटिलिटी और बम्पी मूवमेंट्स के प्रति रुपीस में और कंटिन्यू फॉरेन एक्सचेंज के साथ एंगेज कर रही है जब तक रुपी अपने लेवल पे ना आ जाए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB FY23 ग्रोथ फोरकास्ट को नीचे प्रेडिक्ट किया यूएसडी आईएनआर के लिए 7.2% फ्रॉम 7.5% अप्रैल दिस ईयर। अभी डेटा पॉइंट की बात करें तो यूएसडी के लिए फ्राइडे शाम 7:15 में यूएसडी के लिए फ्लैश सर्विस पीएमआई का डेटा आया, प्रीवियसली जो 52.7 आया था और 52.6 का एक्सपेक्टेशन के सामने 47 आया, वही फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा भी आया जो प्रीवियसली 52.7 आया था 52 के एक्सपेक्टेशन के सामने 52.3 आया जो यूएसडी के लिए नेगेटिव रहा। जीबीपी की बात करें तो जीबीपी आईएनआर में भी हमने शॉर्ट कवरिंग देखी 0.01 पॉजिटिव मूव के साथ 95.54 में क्लोज हुआ। जीबीपी फ्लैट सेटल किया, फ्रेश डाटा जो
आया यूके इकोनॉमी स्लो डाउन को लेके बढ़ती हुए इन्फ्लेशन के साथ। बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर एंड्रयू वैली डोर ओपन किया 50 बीपीएस रेट हाइक के साथ, हाईएस्ट सिंस 1995 है। फ्राइडे दोपहर 2 बजे, अभी डेटा पॉइंट की बात करें तो फ्राइडे दोपहर 2 बजे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आया, 52.8 प्रीवियसली था जो 52.1 एक्सपेक्टेशन के सामने 52.2 आया। वही फ्लैश सर्विस पीएमआई 54.3 आया था पिछली बार, 52.9 के सामने 53.3 आया, बोथ आर नेगेटिव फॉर जीबीपी। आज दोपहर 3:30 बजे सीबीआई कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल ऑर्डर एक्सपेक्टेशन का डेटा आना है, प्रीवियसली 18 के सामने 13 का एक्सपेक्टेशन है। एक्चुअली फोरकास्ट से अगर बढ़ के आया तो करेंसी के लिए अच्छी है। यूरो में अगर देखें तो यूरो आईएनआर में हमने लॉन्ग लिक्विडेशन देखा, 0.26 नेगेटिव मूव, 0.26 नेगेटिव मूव के साथ 81.27 क्लोज हुआ। यूरो ड्रॉप होते हुए देखा क्योंकि जर्मन बिजनेस एक्टिविटी अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रेंग किया, फ्रेंच इकोनॉमिक आउटलुक भी डिटोरिएट किया क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी श्रिंक कर रही है। अभी डेटा पॉइंट की बात करें तो दोपहर 12:45 को फ्रेंच फ्लैश सर्विस पीएमआई का डेटा आया था फ्राइडे को, प्रीवियसली जो 53.9 आया था 52.6 एक्सपेक्टेशन के सामने 52.1 आया। फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा पिछली बार 51.4 आया था, 51.1 के एक्सपेक्टेशन के सामने 49.6 आया जो यूरो के लिए नेगेटिव था। दोपहर 1 बजे जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग डेटा प्रीवियसली जो 52 आया था 50.6 फोरकास्ट के सामने 49.2 आया। जर्मन फ्लैश सर्विस पीएमआई प्रीवियसली जो 52.4 आया था 51.4 फोरकास्ट के सामने 49.2 आया। दोनों डाटा यूरो के लिए नेगेटिव रहा। आज 1:30 बजे जर्मन इन्फो बिजनेस क्लाइमेट का डेटा आना है, प्रीवियसली 92.3 आया था, 90 का एक्सपेक्टेशन था। शाम 6:30 बजे बेल्जियन एनबीबी बिजनेस क्लाइमेट का डेटा आना है, पिछली बार जो -1.8 आया था इस बार -1.5 का एक्सपेक्टेशन है। दोनों ही अगर बढ़ के आया तो यूरो के लिए अच्छा न्यूज़ है। जेपीवाई में अगर हम देखें तो जेपीवाई आईएनआर में हमने फ्राइडे शॉर्ट कवरिंग देखी, 0.99 अपवर्ड मूव के साथ 58.27 में क्लोज हुआ। जेपीआई को बाइंग सपोर्ट किया आफ्टर बैंक ऑफ जापान सिग्नल दिया ग्लोबली टाइटर मॉनिटरी सेटिंग के बावजूद वो अपनी पॉलिसी एकोमोडेट करने के लिए कमिटेड है। जेपीवाई के लिए कोई डेटा नहीं है फ्राइडे और आज भी हम कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं देख रहे। करेंसी के लिए मेरे तरफ से इतना ही न्यूज़ है, और न्यूज़ के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए और हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन और ट्विटर में KDR एडवाइजरी के लिए नाम से हमें फॉलो कीजिए। सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।